नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सभी जेएसयू ओआरएस एंड ऑफिसर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, इतना मिलेगा फ़ायदा। चलिए जानते हैं इस टेबल के माध्यम से कि हमारे जेएसयू ओआरएस एंड ऑफिसर्स को कितना कितना फ़ायदा मिलने वाला है नई पॉलिसी के अनुसार। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की तरफ से, नई दिल्ली की तरफ से 3 नवंबर 2021 को यह लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है और सभी कमांड्स हेडक्वार्टर्स हैं उनको इसकी कॉपी भेज दी गई है। और सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इनहेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवर बाय AGIF टू 1 crore फॉर ऑफिसर्स एंड 50 lakh फॉर जेएसयू एंड ओआरएस के लिए। यानी कि दोस्तों, ऑफिसर्स के लिए जो AGI का इंश्योरेंस कवर है वो 1 crore कर दिया गया है, वहीं जेएसयू ओआरएस के लिए जो AGI का इंश्योरेंस कवर है वो 50 lakh कर दिया गया है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2021 को बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई थी, उसमें जो ये AGI ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का जो इंश्योरेंस कवर है वो बढ़ाने का फैसला लिया गया, वहीं जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं, उसका फैसला भी लिया गया है। और वहीं आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बढ़ा दिया गया है, ऑफिसर्स के लिए 10,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है, वहीं जेएसयू ओआरएस के लिए 5,000 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है और ये इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2022 से। वहीं दूसरा जो डिसीजन लिया गया है वो मैच्योरिटी बेनिफिट ऑन रिटायरमेंट को लेकर लिया गया है। अगर आज कोई ऑफिसर्स रिटायर होता है 30 साल की सर्विस के बाद में, तो उनका जो एप्रोक्स मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है वो 16 लाख रुपए मिलता है, वही जेएसयू ओआरएस 30 साल की सर्विस के बाद में कोई रिटायर होता है तो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट 8 लाख रुपए मिलता है। अब दोस्तों, जेएसयू हो या ओआरएस हो, दिसंबर 2011 में इनरोल्ड हुए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.5%। तो अब इस टेबल के माध्यम से जानते हैं कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। पहली टेबल वो ऑफिसर्स के लिए है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिसंबर 2021 में आपका कंट्रीब्यूशन होता है 4,77,000 रुपये। इससे आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 7,49,000 रुपये। इसी तरह से दोस्तों, दिसंबर 2031 तक आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 22,44,000, वहीं दिसंबर 2036 तक 35,09,000 रुपये, वहीं दिसंबर 2041 तक आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 53,25,000 रुपये। आपका जो दिसंबर 2041 तक जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाता है 25,69,000 रुपये। वहीं टोटल आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 78,70,000 रुपये। अब बात करते हैं हमारे जेएसयू ओआरएस की मैच्योरिटी वैल्यू को लेकर कितना बेनिफिट मिलेगा। तो दिसंबर 2021 में आपकी जो एग्जिस्टिंग रेट के अनुसार जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,20,000 रुपये होगा, वहीं जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 3,78,000 रुपये। इसी प्रकार से दिसंबर 2031 तक आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 11,36,000, दिसंबर 2036 तक आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 17,78,000 रुपये, वहीं दिसंबर 2041 तक आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 26,98,000 रुपये। इस तरह से दोस्तों, दिसंबर 2041 तक आपकी जो एग्जिस्टिंग रेट के अनुसार आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाता है वो 7,08,000 रुपये, वहीं जो नई रेट के अनुसार आपकी जो कंट्रीब्यूशन हो जाता है 12,86,000 रुपये, वहीं जो आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है 39,92,000 रुपये। वहीं दिसंबर 2031 तक आपकी नए रेट के अनुसार जो मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 15,59,000 रुपये, और दिसंबर 2036 तक आपकी नए रेट के अनुसार मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 25,59,000 रुपये। वहीं अब बात करते हैं, अगर आप 15 साल की सर्विस पूरी हो जाती है उस समय आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि 90% अपने कंट्रीब्यूशन का विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग की डेट दे रखी है 1 मार्च 2007 और 31 मार्च 2022 तक आपकी 15 साल की सर्विस पूरी हो रही है। तो ऑफिसर्स के लिए जो मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है 10,65,757 रुपये, वहीं 90% मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो ये आपको मिलेगी 9,59,181 रुपये। वहीं जेएसयू एंड ओआरएस की बात करें तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू बन रही है 5,39,850 रुपये, वहीं 90% मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 4,85,865 रुपये आपको 90% मिलेंगे। इसी तरह से दोस्तों, 1 मार्च 2012 से 31 मार्च 2027 तक जिनका 15 साल सर्विस पूरा हो रहा है वो अपनी मैच्योरिटी वैल्यू 90% यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टेबल में। तो जो जवान, तो जो जेएसयू ओआरएस ऑफिसर्स 15 साल की
सर्विस पूरी करने के बाद आपका जो पैसा बनता है उसका 90% फाइनल विड्रॉल आप कर सकते हैं। ये विड्रॉल आप एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों की शादी के लिए कर सकते हैं, जो यहाँ पे जेसुआर्स का यहाँ पे दे रखा है 90%, वहीं ऑफिसर्स का इस कॉलम में दे रखा है 90% मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये थी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।